नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ माह का बहुत अधिक महत्व माना गया है क्योंकि इस माह में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं, खासकर बसंत पंचमी का त्योहार जिसे देवी सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साल 2020 में ये पर्व 29 जनवरी यानी कि कल बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बसंत पंचमी सिर्फ सरस्वती के अवतरण के रूप में ही नहीं बल्कि कई अन्य मायनों में भी बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बसंत पंचमी के धार्मिक व अन्य महत्व। तो आइए जानते हैं, बसंत पंचमी का उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में काफी उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव की पूजा भी की जाती है। हालांकि इस दिन मुख्य रूप से माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदेव और उनकी पत्नी रति धरती पर आते हैं और प्रकृति में प्रेम रस का संचार करते हैं। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की पूजा का भी विधान है। माना जाता है जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ाना चाहते हैं, वो बसंत पंचमी के कामदेव को रति की पूजा जरूर करे। कुंवारों को इस दिन पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो अब आगे हम इस वीडियो में बताएंगे इसलिए मनाई जाती है बसंत पंचमी। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की, लेकिन सृष्टि की तरफ जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी को चारों तरफ सुनसान और शांत माहौल नजर आता है। इसीलिए उन्हें महसूस होता है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, जिसे देखकर ब्रह्मा जी मायूस हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया और विष्णु जी ने कमंडल से पृथ्वी पर जल का छिड़काव किया और उस जल के द्वारा पृथ्वी हिलने लगी। पृथ्वी के हिलने के बाद एक अद्भुत शक्ति माँ सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है और वहीं अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का निवेदन करते हैं। इस तरह देवी की वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को आवाज मिल जाती है। वह दिन बसंत पंचमी का दिन था और तभी से देवी सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई ऐसे काम हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से काम जो इस दिन नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए और न ही पूजा किए बिना खाना बनाना चाहिए। इस दिन रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए बल्कि पीले वस्त्रों को ही तरजीह देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। इस दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा और न ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा के सेवन से दूर रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ घरों में भी ये पूजा जरूर करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।